समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष ने मांग की है कि चंद्रपुर यवतमाल जिले में कोयला वासियों में मिलावटी कोयले के उपयोग की एसआईटी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और पडोली नाकाला में अवैध कोयला डिपो को हटाने की कार्रवाई की जाए जो कि गांव के आसपास है। ऐसी जानकारी चंद्रपुर श्रमिक पत्रकार संघ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। चंद्रपुर जिले में प्रदूषण जनित बीमारियों, निमोनिया, सांस संबंधी बीमारियों के कारण 2016 से अब तक जिले में 6,131 लोगों की सांस संबंधी बीमारियों से मौत हो चुकी है। पिछले 10 सालों में प्रदूषण से होने वाली टीबी से 887 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 सालों में कुल 7,018 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले कोयला व्यापारी और अवैध कोयला डिपो को नोटिस जारी करने का खेल जारी है। कार्रवाई से संबंधित कई जानकारी जिला प्रशासन को भी सौंपी गई है, फिर भी कोई खास पहल नहीं की जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और चंद्रपुर जिले को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास करी है। इससे पहले भी जिला प्रशासन को दोबार चेतावनी के साथ शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन हमारे अनुरोध पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। तो अब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। प्रदर्शन में मांग की गई है कि जिला प्रशासन अवैध कोयला डिपो के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करे। तंचिल पठान ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर समय रहते मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में इस मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जैसा अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। पठान के मुताबिक चंद्रपुर यवतमाल जिले में स्थापित कोल वॉशरेज से यहाँ के बिजली उद्योगों को घटिया और मिलावटी कोयले की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में जहाँ एक ओर बिजली उत्पादन की लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। गोगोस उसे गांव में महाखनिज खान और लाभकारी वनी ब्राह्मणी की महामिनरल माइनिंग बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, वनी कलमना कार्तिक के कोल वॉशरेज प्राइवेट लिमिटेड, राजूराव पंडरपौनी में एनएन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, एसीबी इंडिया, आर्यन वॉशरी, रुकमई वॉशरेज जैसी कोयला वॉशरेज को प्रदूषण के कारण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर नोटिस जारी की गए थे, लेकिन स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। चंद्रपुर जिले के लगभग 90 कोयला डिपो में से पडोली नाकाला में 32 कोयला डिपो अवैध हैं। इन डिपो के खराब प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कई नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें बंद करने और मुकदमेबाजी के नोटिस भी दिए गए। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे समाजवादी पार्टी जिले में प्रदूषण फैलाने वाले सभी संयंत्रों और उद्योगों को तत्काल हटाने और बंद करने की मांग करी है। इसमें इन कोल वॉशरेज में मिलावटी कोयले के इस्तेमाल, हेराफेरी और प्रदूषण की एसआईटी जांच की मांग की गई है। अगर इस मामले पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी अगले कुछ दिनों में विशाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगी। समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष तंचिल पठान, चंद्रपुर महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष मोइनुद्दीन शेख, युवा जिला अध्यक्ष जुनेद शेख, महानगर उपाध्यक्ष दिलीप यादव, आजाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयबू काची, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अनीस आदि मौजूद रहे। चंद्रपुर समाजवादी पार्टी की ओर से कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन लिया गया है। इसकी मुख्य वजह और मांगे ये है कि चंद्रपुर पूरी तरह से प्रदूषण से यहाँ के नागरिक त्रस्त होते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। सबसे बड़ा मामला, चंद्रपुर को ब्लैक गोल्ड सिटी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है जिसमें सारे अधिकारी लिप्त है। नागाड़ा में स्थित कुल करीब 28 से 30 कोल डेपो जो 2019 से प्रदूषण महामंडल ने सबको अवैध करार दिया है, लेकिन इन्हीं के नाक के नीचे आज भी वह कोल डेपो धड़ल्ले से चल रहे हैं। और इन अधिकारियों को इतनी शर्म नहीं है कि इनको प्रोसिक्यूशन और क्लोजर नोटिस देने के बाद में क्या इनके हाथ इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको बंद नहीं करा पा रहे। तो बात साफ समझ में आ रही है कि पैसों के बोझ के तले यहाँ के अधिकारी इसको चलने दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा प्रश्न यह है कि बाजू में नागाड़ा लगकर जो गांव है, वहाँ के ग्रामवासियों को इसका स्वास्थ्य पर कितना असर हो रहा है, जिसको लेके 2019 में उन्होंने एक ठहराव पास किया जिसके अंदर में इसको हटाने के लिए उन्होंने साफ साफ उस ठहराव में कहा गया, लेकिन 2019 से आज तक कलेक्टर डिपार्टमेंट में वो ठहराव जस के तस पड़ा हुआ है, एक रद्दी बन के पड़ा हुआ है। किसी को जनता के स्वास्थ्य से कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको आधिकारिक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 2010 से
अब तक 2016 तक कुल 7,018 लोग की प्रदूषण से मृत्यु हो चुकी है। ये 7,018 लोगों का आंकड़ा क्या एक मामूली आंकड़ा है, क्या एक छोटा सा आंकड़ा है कि प्रदूषण को ये लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे? यानी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तकरीबन अमूमन सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रदूषण अधिकारी के खिलाफ में मुद्दे उठाए हैं, लेकिन जस के तस है, कोई उसको हिलाने तैयार नहीं है। क्या इसकी जड़ें यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक, केंद्र तक, पीएम तक की जुड़ी है? क्या इसको कोई हटाना नहीं चाहता कि चंद्रपुर की जनता के साथ में सब खिलवाड़ करने लगे हैं, सब इसकी जान का सौदा कर रहे हैं? सबसे बड़ा खेल जो होता है चंद्रपुर में स्थित सारी वॉशरियों से होता है। सबसे पहले नकेल कसी जाए तो एमएसएमसी अधिकारी की नकेल कसी जाए, जो इन सबको परमिशन देती है, इनका एग्रीमेंट कराती है कोल डेपो से कि कोल इनको दिया जाए, ये वॉश करके महाजनकों को, एपी जनकों को सारे जनकों को देगा, लेकिन मिलावट कोल देगा। इस पर नकेल कसने का काम एमएसएमसी कर रही है, लेकिन इनके भी अधिकारी उसमें मिले जुले हैं। और ये जो सारा प्रदूषण का खेल होता है ये शुरू होता है वॉशरीज से। ये लोग चार कोल, चार फाइन, ईएसपी डच मिलाकर महाजनकों को वॉशरी के जरिए कोयला बेचते हैं, और अच्छे गुणवंती का कोयला निकाल के ये चोर प्लाट वालों को बेचते हैं। और ये चोर प्लाट वाले अपने प्लाटों पर वो उस कोयले को मिलावट करके इधर उधर ओपन मार्केट में सेल करते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उस एरिया के लोग, उस एरिया के गांव से, उस डस्ट से किस तरीके की उनकी खेती प्रदूषित हो रही है, प्रभावित हो रही है, और किस तरीके से उनके बच्चे जो बिल्कुल गांव लग करके जो हाईवे है जहां से उनकी गाड़ी आवा जावा करती है, कई बच्चे ऐसे उदाहरण हमारे तौर पर है कि कई बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है और कई लोग वहां के कैंसर पीड़ित हो चुके हैं, जो कि 2019 से इन्होंने ठहराव इसी वजह से पास किया था, लेकिन आज भी स्थगित है। हमारी मांग ये है कि इन सारे मुद्दों को जल्द से जल्द गौर फिक्र कर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन होगा और इससे बड़ा जन आक्रोश किया जाएगा। एनबीसी न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़ी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खापरखेड़ा।